हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जो स्पेशल रेसिपी है वो है अफगानी एक कोरमा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अंडा लिया है, एक कच्चा अंडा है। तो इसे बॉईल करने के लिए हम पानी लेंगे। देखिए पानी यहाँ पे, यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, ये देखिए, और एक चम्मच यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। नमक से क्या होगा, अंडा को स्किन जो है वो छीलने का बहुत बढ़िया होगा। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इस अंडा को बॉईल करने के लिए देखिए यहाँ पे एकदम धीमी आंच में चालू कर दिया गैस, और इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। अभी क्या करना है, इसे वाला एक जार ले लेना और यहाँ पे ऐड करना है, ये देखिए ये मिंट है, मिंट का पत्ता, और ये देखिए मैंने एकदम मिर्चा प्लानिंग करके रखा है, ये थोड़ा सा धनिया का पत्ता, ये है ग्रीन चिली, थोड़ा सा ग्रीन चिली, और यहाँ ऐड करना है काजू किशमिश। ये देखिए मैंने कितना ले रहा हूँ काजू किशमिश, एकदम फ्राई हुआ काजू किशमिश, और ऐड करेंगे इसमें ब्राउन ऑनियन। ये देखिए ब्राउन ऑनियन ऐड करने के बाद इसमें ऐड करिए, ये देखिए दही है, खट्टा दही, ये लगभग 100 ग्राम उसमें ऐड करिए, और इसे करना है अभी ढक्कन लगा के एकदम फाइन पेस्ट। ये साइड में देखिए मेरी अंडा बॉयल हो रहा है, और यहाँ पे अभी मैंने ये जार में जो पेस्ट किया है, देखिए ग्रेवी को मैंने एकदम ग्रेवी बना लिया पेस्ट करके, और दूसरी साइड में एक कढ़ाई रखा है, इसमें मैं क्या करेंगे, इसको मसाला रेडी करेंगे, अफगानी मसाला इसमें रेडी करेंगे। तो पहले एक देखिए ये 2 चम्मच जैसा मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, फिर उसके बाद आप डालिए 1/2 टीस्पून जैसा जीरा, और कुछ खड़ा मसाला लिया है, ये देखिए तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, इलायची, लौंग, जावित्री, और ये है ब्लैक इलायची, और यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर ऐड करेंगे 2 सूखा चिली, और इसे थोड़ा सा चटकने दीजिए, ये देखिए। ये चटकने के बाद यहाँ पे ऐड कर दीजिए ऑनियन चॉप, ये 2 ऑनियन चॉप क्या है यहाँ पे ऐड करिए, और इसे चलाते रहिए, थोड़ा सा ग्रीन चिली, इसे अच्छी तरह से ऑनियन को भून लीजिए, देखिए इसी तरह से ऑनियन को अच्छी तरह से आप फ्राई करने के बाद एकदम ब्राउन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करिए 1 चम्मच लहसुन चॉप और 1 चम्मच जिंजर चॉप, इसे भी अच्छा तरह से इसे एकदम फ्राई कर लीजिए, और फिर इसमें ऐड करिए 1 टमाटो चॉप, आप टमाटर को पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, इसे टमाटर को गला लीजिए इसी तरह से। अभी गैस की वॉल्यूम थोड़ा स्लो रखिए, और इसमें ऐड करिए अभी मसाला, ये देखिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इस मसाला के साथ थोड़ा सा मिला लीजिए, देखिए इसके साथ, और अभी जो हमने पेस्ट करके रखा था ये देखिए, ये पेस्ट यहाँ पर ऐड करिए, पेस्ट ऐड करने का बाद आप क्या करना, इस मसाला के साथ थोड़ा 1 से 2 मिनट इसे चलाना, और यहाँ पे ऐड करना थोड़ा सा पानी, ये देखिए पानी के साथ इस ग्रेवी को अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से पकाना इसको, तो देखिए इसी तरह से, और इसे 5 मिनट इस ग्रेवी को पानी के साथ पकाइए। देखिए हमारा अंडा जो है वो बॉयल हो चुका है, और अभी गैस की बटन बंद करके इसे छील लेंगे अंडा को। अंडा को छीलने के बाद आप हल्का हल्का इस तरह से आपको काट मारना है,
काट मारने से क्या है, इसके अंदर जो मसाला है वो जाएगा और फ्राई करने का टाइम में भी आपको ये फटेगा नहीं। तो इसी तरह से आप अंडा को काट मार लीजिए और यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसको मिलाइए और फिर हम इसको करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई। चलिए इधर देखिए, मेरी गैस चालू है, तेल की कढ़ाई एकदम ऑन है। तो अभी क्या करना है, इस तरह मैं तेल को गर्म कर लिया है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई करने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया से फ्राई का एकदम गोल्डन ब्राउन। और अभी क्या करेंगे, वही बाउल में यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखिए 5 मिनट होने का बाद आप क्या करना, पानी को साथ अच्छी तरह से इसको पका लिया है मसाला का साथ ग्रेवी, अभी जो फ्राई हुआ अंडा है यहाँ पर ऐड करिए और इस अंडा को 1 से 2 मिनट इस ग्रेवी के साथ पकाइए। 1 से 2 मिनट पकने का बाद आप यहाँ पर ऐड करिए 1 टीस्पून जैसा गरम मसाला, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर और यहाँ पर ऐड करना 1/2 टीस्पून जैसा कस्तूरी मेथी। इसमें ऐड करने का बाद इसे थोड़ा सा मिलाते रहिए और यहाँ पर ऐड करना है 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच देसी घी। ये देखिए देसी, और इसे मिलाइए। ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से बन रहा है, देखिए हमारा अफगानी अंडा कोरमा। और फिर इसके ऊपर ढालिए थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारा अफगानी अंडा बन के तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। अभी हम गैस की भलन बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे एकदम प्रेजेंटेशन गार्निशिंग के साथ। अभी हम क्या करेंगे, इसका गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया तरह से इसको गार्निशिंग करेंगे और ये सर्व करने के लिए कितनी जबरदस्त बना है, आप कलर देखिए इसको एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए अभी क्या करेंगे, ये ढालेंगे थोड़ा टमाटो स्लाइट। देखिए थोड़ा ग्रीन चिली स्लाइट, देखिए थोड़ा सा जिंजर, एकदम स्लाइट जिंजर, थोड़ा रगन, देखिए थोड़ा सा धनिया का पत्ता। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गया हमारा अफगानी अंडा कोरमा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।